इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अल्मीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अल्मीरा। जमीनी मामले को लेकर बलिया में बवाल हो गया। ये बवाल जमीनी मामले से पुलिस बनाम ग्रामीण हो गया, जिसमें एसीपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। आरोप है कि दक्षिणी पुलिस चौकी के इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार और दीवान राजबली पन्ना राजभर को पुलिस चौकी ले गए थे, जिसके बाद पैसे ना देने पर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। मामला है कि वो हमारा भाई, परिवार हमारा है, और उसको धर्मेंद्र सिंह राजबली ने जिस तरह से मारे हैं, ये उनका अधिकार पावर नहीं है उतना मारने के लिए। इसके विरोध में हम लोग हैं। प्रशासन का मतलब धर्मेंद्र सिंह के चौकी इंचार्ज हैं। क्यों मारे हैं? उसको बुलाए हैं शाम को, दिन में गए थे वहाँ, उसके घर बुलाए थे कि शाम को आना, और शाम को आए हैं तो इन लोग दोनों लोग मिल करके बहुत मार मारे हैं उसको। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं धर्मेंद्र सिंह आए, उनके ऊपर कार्रवाई हो और उसका इलाज बढ़िया से हो, उसका इलाज कराया। बलिया के रसड़ा कस्बे के धोबही मोहल्ले में चाचा भतीजा के बीच जमीन को लेकर चल रहा विवाद गुरुवार को बड़े बवाल की वजह बन गया। पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए सैकड़ों लोग बलिया रसड़ा मऊ मार्ग के कोटवारी मोड़ पर प्रदर्शन करने लगे। लोग सड़क जाम कर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सूचना पाकर सीओ रसड़ा फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद एएसपी संजय कुमार भी पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सड़क खाली कराने के लिए बातचीत के दौरान पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए, पुलिस पर पथराव करने लगे। पथराव में एएसपी संजय कुमार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, दर्जनों ग्रामीण भी जख्मी हो गए। नाराज लोगों ने पुलिस चौकी पर हमला कर टीन शेड और वहां खड़ी बाइकों को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद कई थानों की फोर्स व पीएसी तैनात कर दी गई है। बलिया से अखिलेश सैनी की रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।